हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर सुनीतास किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चटपटा मसला आलू। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। आलू को इस साइज़ में काट लिए हैं और इसे धोकर ले लिए हैं। आप चाहे तो आलू का साइज़ बड़ा भी काट सकते हैं। और आलू हम 300 ग्राम ले लेंगे। एक टी स्पून गोटा धनिया ले लेंगे, 7 पीस गोल मिर्च ले लेंगे, 1 टी स्पून नमक ले लेंगे, नींबू का रस हाफ ले लेंगे, पीस ले लेंगे, और ना हो तो आप 2 चम्मच नींबू का रस ले लीजिएगा। और नींबू का रस की जगह पे ना हो तो अमचूर पाउडर ले सकते हैं। ये चिल्ली फ्लेक्स ले लेंगे। ये 2 पीस सूखी मिर्च को हम छोटा छोटा पीस में काट लिए हैं, तो ये चिल्ली फ्लेक्स हो गई है। और बटर ले लेंगे। अब ओवन में कढ़ाई रख कर कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम गोल मिर्च डाल देते हैं, गोटा धनिया डाल देते हैं। सूखा कढ़ाई पे ही इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का ही भूनना है। अब इसे नीचे उतार लेते हैं हम। अब उसी कढ़ाई को गर्म करके उसमें बटर डाल देते हैं। अब यहीं पर हम आलू को डाल देते हैं। अब सभी को चला लेते हैं। अब तब तक हम आपको याद दिला दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। यहीं पर हम नमक को डाल देते हैं और नमक को मिक्स कर लेंगे आलू में। अब थोड़ा ढक ढक के आलू को पका लेंगे। चेक कर लेते हैं, चला लेते हैं आलू। चालू आलू को और एक बार हम चेक किए थे दोस्तों बीच में। देखिए, आलू हमारा पक चुका है। यहीं पर हम चिली फ्लेक्स को डाल देते हैं और मिला लेंगे। और सभी सब्जी को हम लो फ्लेम पर बनाएंगे दोस्तों। चला लेते हैं। अब ओवन बंद कर देते हैं। अब यहीं पर हम नींबू का रस को डाल देंगे। यहीं पर हम भुना हुआ धनिया और गोल मिर्च पाउडर को डाल देंगे। ये तो पहले ही भून के रखे थे और पैन में भूनने से ये जलने का डर रहता है, इसलिए हम इसे ऊपर से डाले हैं। और सभी को मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और सब्जी बन के हमारा रेडी हो गया है। इसे नीचे उतार लेते हैं। देखिए, चटपटी सूखी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा क्योंकि इसे हम सिर्फ बटर पर बनाए हैं और इसका खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम बना सकते हैं या फिर फास्ट में ही बना सकते हैं। तो आप एक बार जरूर घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और इस तरह नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।